और आगे देखिए, मुंबई ब्यूरो चीफ विकास श्रीवास्तव ने मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया मध्य प्रदेश के सीएम की तरफ से, सुनिए। चुनाव पांचवें चरण यानी कि 20 मई को होने और बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ यहां पर प्रचार किया है, इस हद तक कि दक्षिण से भी कुछ बड़े चेहरे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर प्रचार में लगे हुए हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हर सड़कों पर वो उनकी उपस्थिति नजर आ रही है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो मुंबई में क्या माहौल देख रहे हैं। मोहन जी, आप मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। मुंबई में आप प्रचार कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं यहाँ के माहौल से, क्या माहौल देख रहे हैं आप? मुझे दिख रहा है कि छत्रपति महाराज की इस धरती पर चारों तरफ भाजपा भाजपा माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर जनता तो अपनी आंखों से देख रही है। ये ट्रैफिक की भारी समस्या थी, इंटरनल टनल बनाना, समुद्र के अंदर ऊपर ब्रिज बनाना, ये असंभव काम थे, लेकिन माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो रिजल्ट ही दिख रहा है। विपक्ष जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और उन्होंने पहला बयान ये दिया कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई गई है ये धोखे और साजिश से बनाई गई सरकार है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये धोखे या साजिश ये कांग्रेस का हिस्सा सदैव रहा है। आज़ादी के बाद से लगाकर अभी तक 50 से ज़्यादा सरकारें अगर गिराई है तो कांग्रेस ने गिराई है। ये कांग्रेस अपने कर्म को याद कर ले, बाणों के समय मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल जो सरकारें गिराई थी, किस कारण गिराई थी? नहीं तो गिराई थी, ये केवल अपने कांग्रेस और कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण से 1980 में सरकारें, नौ सरकारें गिराई गई थी। तो कांग्रेस का अतीत इस टाइप का रहा, तो इसलिए जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी को नकली शिवसेना करार दे दिया गया, वो हाशिए पर चले गए, उसी तरीके से एक दिन ऐसा भी होगा कि बीजेपी आरएसएस को नकली आरएसएस बोल देगी और उसको बैन कर देगी। कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये? उद्धव जी अपने इस शिवसेना वाले मसले में हाईकोर्ट गए वहाँ से हारे, लोअर कोर्ट गए वहाँ से हारे, चुनाव आयोग से हारे, अब कोर्ट फैसला करते और कोर्ट के फैसले को भी नहीं माने तो ये उद्धव जी की मर्जी। और जो राजनीतिक क्षेत्र में, वो राजनीति क्षेत्र की बात कर, राष्ट्रवादी संघ की बात करना उनके लिए मुँह से भी शोभा नहीं देता जिस ढंग से उनने आतंकवादियों का साथ लिया है। हम तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए कितना काम किया है, लेकिन जो आतंकवादियों को अपने साथ मिला करके चुनाव के जीतने का सपना देखे, ऐसी शिवसेना के लिए तो उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने आप में आत्ममंथन करे, विचार करे, और वो खुद जानते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं और काहे के लिए कह रहे हैं। मेरे सिर्फ दो सवाल और हैं। दिल्ली के सीएम के घर में एक सांसद के साथ बदसलूकी होती है, इसके बावजूद सीएम अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उनकी मजबूरी आपको लगती है? बहुत दुर्भाग्य की बात है, मुझे मालूम है कि ये उनके इशारे पर सारा घटनाक्रम हुआ था, और अगर वो नहीं है तो उनको स्पष्टीकरण देना था, और अपनी पार्टी की किसी महिला सांसद के साथ ऐसा होना, वो भी राज्यसभा जो उच्च सदन माना जाता, बुद्धिजीवियों का सदन माना जाता है, वो अपनी बुद्धिजीवियों की पार्टी बताते थे, लेकिन कितना पतन हो सकता है चुनाव के कारण से, ये घटनाक्रम बताता है। स्वाति मालीवाल अकेले नहीं है, बहनें पूरे देश की, पूरे देश की बहनों की इज्जत का सवाल है, और पूरे देश के पूरे सभी मतदाता कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको। एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है राहुल गांधी की तरफ से, अमेठी उन्होंने छोड़ा, वायनाड से लड़े, वायनाड अब छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं, क्या उनका आत्मविश्वास खो गया, उनको लगता है कि उनकी जो जनता है वो दोबारा से चुन के नहीं भेजेगी, क्या वजह लगता है? एक मुहावरा अच्छा, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ये उन पर पूरा चरितार्थ होगा। वो घर का जो है वो भी सब खत्म करके मानेंगे और महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी करेंगे, जिनने कहा आज़ादी के बाद कांग्रेस समाप्त कर दो, महात्मा गांधी जी की इच्छा को राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जरूर पूरा करेंगे। लेकिन वहां तो एक इमोशनल स्पीच दिया गया सोनिया गांधी की तरफ से रायबरेली की जनता को कि मैं मेरे बेटे को सुपुर्द कर रही हूँ, संभालो। सुनता कौन है उनको, ये भारत माता के बेटे की आवाज़ चल रही देश भर में नरेंद्र मोदी की, ये यही तो बात है परिवारवाद की जो सोनिया गांधी ने पूरी की, मेरे बेटे को सुपुर्द करता हूँ, तो क्या गुलाम है बाकी लोग, अपने लोकल सांसद नहीं बनाएंगे वहाँ का? ये बाहर से आके थोपे हुए सांसद को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए इस बात का असर नहीं माननीय मोदी जी के काम का असर है। वो एक तरफ वो भारत का बेटा
जो अपनी माँ के अंत्येष्टि से निकल कर सीधे देश सेवा के लिए पहुँचता है वो उसी प्रकार से गौरवान्वित करता है जैसे बाकी देशभक्त लोग करते हैं। और एक तरफ ये लोग है जो केवल एकमात्र कारण कि हमारी सत्ता वापस बन जाए, हमारी तानाशाही फिर आ जाए, हम देश के खजाने पे कब्जा कर लें, ऐसे लोगों को जनता माफ़ नहीं करेगी।